हिंदूवादी नेता पर मुस्लिम समुदाय के लोगों ने किया जानलेवा हमला। हमले में 3 लोगों को आई गंभीर चोटें। आज आगरा के जगदीशपुरा थाना क्षेत्र के विवेक विहार कॉलोनी में हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ता पर मुस्लिम समुदाय के लोगों द्वारा जानलेवा हमला हुआ, जिसमें 3 लोगों की गंभीर चोटें आई हैं। जिसके बाद हिंदू जागरण मंच के नेताओं ने जगदीशपुरा थाना पहुंचकर मुकदमा दर्ज कराया, कार्रवाई की मांग की। क्या नाम है? यशवंत सिंह, विवेक विहार में कॉलोनी में रहता हूँ। वहाँ एक कसाई हैं मियाँ, बाड़ा चलाते हैं। और बाड़े में जो है बनावटी दूध बना के बेचते हैं। बाहर लेटरिन सेफ्टी टैंक बना रहे थे रोड के ऊपर, और कॉलोनी वालों ने सबने विरोध किया, लेकिन वो नहीं माना। कल से ही वो उसको समझा रहे थे, वो नहीं माना। सब लोग वहाँ पहुँचे, वो 8-7 लोग थे वो, और बातें ही बातों में उन्होंने एकदम से हमला कर दिया। हाथों में रोड थी, फावड़ा था, तलवार थी, धारदार हथियार, सब कुछ छोड़ने लगे। समझाने पे भी नहीं माना, सबके ऊपर हमला कर दिया, सब गए। मैटर ये था कि इनका बाड़ा है, गंदगी रहती है पूरे दिन, जैसे बाहर बनती है, गोबर बाहर फेंकता है, और सेफ्टी टैंक बाहर रोड पर क्या जगह रहा है। अपना विवेक विहार का मामला है, सेफ्टी टैंक रोड पर खुदवा रहे हैं। खाली हम जे मैं मेरे बड़े भाई बात करने गए थे कि भाई साहब जे गलत है, और उन्होंने बोल ना सुन के उनके जो बेटे हैं अंदर से फावड़ा सरिया जो ये सामने वाला पक्षी जो है बाड़े वाले वो तो धारदार हथियार वो आके टूट पड़े एकदम। क्या हथियार थे? फावड़ा था, पाइप थे, रॉड थी, अब धार वाले एक फड़सा भी था। वो हमारे उन्होंने पीछे से सब तरह हमको घेर लिया। चार वो 3 बेटे, एक उनके बाप था, 4 थे वो। आप कितने लोग? हम जे थे, हम थे अंकल थे, हम 3 थे लोग। आज हमारी कलवारी के अंदर संगठन के पदाधिकारी हैं, जिला अध्यक्ष ज्ञानेंद्र फौजदार, उनके और हमारे संगठन के ही पदाधिकारी हैं निक्की दागर जी, जो प्रचार प्रसार प्रमुख हैं, उनके परिवार के ऊपर हमला हुआ। वो भी सुनियोजित तरीके से मुसलमानों द्वारा उनके ऊपर हमला किया गया, जानलेवा हमला। कम से कम तो वो 8-10 लोगों की संख्या रही थी, जिन्होंने इन सबको घेर कर सिर्फ एक मामूली से विवाद को लेकर वो प्री प्लान करके इन्होंने हमारे हिंदू परिवारों के ऊपर हमला किया। और हिंदू जागरण मंच के पदाधिकारी थाने भी पहुँचे हैं, तो उन्होंने यहाँ पहुंचकर इंस्पेक्टर साहब से बात की। उन्होंने उन जो मुजरिम हैं मुसलमान हैं उनके ऊपर कार्रवाई करने के लिए उन्होंने कहा। हिंदूवादी नेता से पूछने पर बताया कि मुस्लिम समुदाय के लोगों द्वारा एक सीवर टैंक बीच सड़क पर खोद रहे थे, तो हमने उनसे मना की, और इसी बीच हमारे ऊपर धारदार हथियार एवं फावड़े व लाठी डंडों से हमारे ऊपर हमला कर दिया, जिससे हमें गंभीर रूप से चोटें आई हैं, और हमारी मांग है कि उन लोगों के ऊपर सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई हो। प्रातः दर्पण न्यूज के लिए राजा सूर्यवंशी की रिपोर्ट।